हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुनील। करंटली मार्केट ओपन हो रहा है, हो गया है। जो टाइम हो रहा है 9:40 का हो रहा है। मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है। चलिए आपको पहले ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मैंने किस जगह पे ऑर्डर प्लेस किया। अभी प्राइस 203 रुपये में चल रहा है। पोजिशन दिखाता हूँ तो अभी ऑलमोस्ट हमारी जो बाइंग इसमें हुई है 196 के पास यहाँ पे बाइंग हुई है। पोजिशन हमारे फेवर में ही चल रही है। डोंट वरी, वेट करेंगे प्रॉपर। पहले चलिए अब लॉजिक को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाइंग हैपनिंग हो रही है अच्छी खासी, बस इसका हाई निकाल दे, हाई निकाल दे तो एक अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपर साइड में ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होगा तो आपको क्लियर एक मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। बस ये कैंडल क्लोज कर दे। पोजिशन ठीक ठाक चल रही है प्रॉफिट में। ऑलरेडी हमें यहाँ पे 10.15.1:1 यहाँ पे हमें मिल रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी पोजीशन को ट्रेल कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे प्लान करना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारा जो रिस्क हो जाएगा वो एकदम कम हो जाएगा। हमारा रिस्क इसमें रहेगा 186 का यहाँ पे हम रिस्क रख लेते हैं, या 188 का रिस्क यहाँ पे हम रख लेते हैं। 189 का हम यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लगा देंगे। देखिए, देना होगा प्रॉफिट दे देगा, अदरवाइज फिर ये लॉस दे देगा। फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है इसमें, तो फर्स्ट टारगेट इसमें ऑलरेडी हिट हो चुका है। अब वेट करेंगे, देखेंगे कि प्राइस हमारे फेवर में चलता है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारा SL ट्रेल हो चुका है। लॉजिक सिंपल सा है, 1:2 इसमें मिल चुका है। यहाँ से कहीं इस ग्रीन कैंडल, जो ये सपोर्ट के पास ग्रीन कैंडल बनी थी, इसी के ऊपर थोड़ा सा निफ्टी सपोर्ट कर दे तो हमारा ये जो ट्रेड है हमारे फेवर में चला जाएगा। अदरवाइज इस लो के नीचे अगर ये लो ब्रेक करता है डाउन साइड में 44,800 को, तो फिर ये आपको कुछ एक यम पैटर्न जैसा दिखेगा रेजिस्टेंस पे। तो पोजीशन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये हमारे फेवर से बाहर जा रही है, तो इसको एग्जिट करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखेंगे, वेट करेंगे, अगर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है रेजिस्टेंस पे आ जाए, उसके बाद इस रेड कैंडल का हाई भी ब्रेक होता है तो अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। आप यहाँ से चीजों को देखिए, समझने की कोशिश करिएगा किस तरीके से यहाँ गैप अप ओपन हुआ। ऑलरेडी जो ये डाउन मूव लगा था इसका 50% के ऊपर यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो यहाँ पे SL लेके बाहर हो जाना ही ठीक है। अगर पोजीशन हमारे फेवर में चलती है तो हम इसमें बड़ा प्रॉफिट लेके निकलेंगे, अदरवाइज फिर हम यहाँ पे लॉस बुक करके बाहर हो जाएंगे। चीजें समझिए, तो लॉजिक क्या था, लॉजिक सिंपल सा था। ये डाउन साइड का मूव था पूरा, इसके 50% के ऊपर मार्केट ओपन हुई है। थोड़ा सा निफ्टी आज वीक दिख रहा है, अगर निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन हमें लॉस ही देगी। बस देखेंगे, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अदरवाइज हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा 7 पॉइंट का रिस्क है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1:1 मिलने के बाद अपने SL को ट्रेल कर लिया है। चूँकि रिस्क को फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे 1:2 देखिए आपको चार्ट पे हम ले चल के दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन भी हमारी आज के दिन भी हमें एक लॉसेस को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी फ्लो में निकाल देता तो एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता। अदरवाइज यहाँ पे ये पोजीशन अब हमारे अगेंस्ट जा चुकी है। तो हाई इसका जो लगा है वो 213 का लगा है। हमारी जो बाइंग थी वो तो ऑलमोस्ट 1:1 से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा था, जहाँ पे मैंने अपने SL को ट्रेल किया। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, SL 2 पॉइंट का है। मैं आपको ऑर्डर में ले चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 189 का SL लगा हुआ, अभी प्राइस 194 के पास चल रहा। तो वेट करेंगे प्रॉपर, देखेंगे अगर जो जैसा इसमें समझ में आएगा, अदरवाइज ये हाई निकालेगा तो हम मैक्सिमम के लिए भी जा सकते हैं और कल के डे हाई तक का भी प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें हम लॉस बुक करके बाहर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इसमें भी वीकनेस आ चुकी है, तो ध्यान से चीज़ों को प्ले करिए, लॉसेस को फिक्स कर दीजिए। लॉसेस जब तक फिक्स नहीं करेंगे आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रीवियस कई दिनों से SL हिट हो रहे हैं, लगातार कंटिन्यू SL ही हिट हो रहा है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे जो रिस्क है मेरा वो फिक्स है, रिस्क मेरा मिनिमम है। और मैं टारगेट जब भी लेता हूँ तो बड़ा लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मेरे आपको मैं बताऊँ तो 7-8 दिन से लगातार, आज ये 8वां दिन है, अगर आज SL हिट होता है तो कॉन्टिन्यू मेरे 8 दिन SL हिट हो जाएंगे। डोंट वरी, मैं एक ही ट्रेड प्लान करता हूं और उसके बाद SL हिट होने के बाद फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लान नहीं करता हूं।
क्योंकि रीजन सिंपल सा है, मैं मुझे अगर प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में हो जाता है तो सेकंड ट्रेड में प्लान कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये वीक हो चुका है, ये कहीं ना कहीं वीक हो चुका है क्योंकि डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन भी जा रही, तो हो सकता है रिटेस्ट करके फिर ये डाउन साइड के तरफ ये फॉल कर दे। तो चलिए पोजीशन देखते हैं, तो पोजीशन ऑलमोस्ट अभी कॉस्ट के पास ही चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको देखिए, अभी ये ग्रीन कैंडल का जो लो है ना, ये ग्रीन कैंडल का लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन यही है कि इस ग्रीन कैंडल का लो अगर ब्रेक होगा, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो हो सकता है रीटेस्ट करके फिर से डाउन साइड ब्रेक करता है तो इमीडिएट एसएल हिट करेगा, अदरवाइज पोजीशन में बने रहेंगे। तो डोंट री, अपडेट आपको बराबर मिलता रहेगा। पहले लॉजिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसका 50% आया, लो लगाया, हाई लगाया, फिर कंटिन्यू तीन रेड कैंडल के बाद, तीन रेड रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, तो इसी के ऊपर जैसे प्राइस निकला तो हमने यहाँ पे एक बाइंग कर लिया। तो देखेंगे अभी ट्रेंड लाइन से आपको एक रिजेक्शन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट हम लोगों के अगेंस्ट जा चुकी है। अब इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस वेट कर लेते हैं। दो तीन पॉइंट का एसएल इधर उधर है, हो सकता है क्या पता कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉल्स ब्रेकडाउन देके ऊपर निकल जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पोजिशन वीक हो चुकी है। तो देखेंगे, वेट करेंगे प्रॉपर किस तरीके से चीजों को यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल ये हो जाएगा 44,930 का, अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो आप बाय करिएगा, अदरवाइज 44,820 के नीचे आपको यम पैटर्न देखने को मिलेगा। फिर ये फॉल जो अपसाइड का मोमेंटम लगा है कंटिन्यू फिर डाउन साइड के लिए जा सकता है। तो आई होप आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ रही। मेरा एसएल हिट होने के बाद नेक्स्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी इसमें मिल जाएगी, लेकिन मेरा जो रिस्क कैपेसिटी है वो पूरी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट नहीं करने वाला हूँ। चीजें ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा का रिस्क नहीं है। मैंने बताया कि ट्रेंड लाइन हो सकता है ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट करने के बाद फिर से ये डाउन साइड फॉल कर दे। तो चीजों को समझिए, इसी तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग में देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस लॉसेस होते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि ट्रेडिंग में हमारे लॉसेस होते हैं। तो चीजें समझिए, लॉसेस होते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने लॉसेस को फिक्स कर देना है और प्रॉफिट को क्या है ट्रेल करते जाना है, ट्रेल करते जाना है। तो सेकेंड पोजिशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी 44,820 के नीचे, इस वाली पर्टिकुलर लेवल के नीचे आपको एक टारगेट मिल जाएगा 44,800, मैं बता रहा हूं। तो 44,820 का लेवल है, 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का मैं यहां पे बफर रख दे रहा हूं। उसके बाद आपको यहां पे एक यम पैटर्न दिखेगा और यहां पे एक्स एबीसीडी पैटर्न भी एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिए, हाई लगा, फिर से यहाँ पे एक लो लगा, रिट्रेस किया, अपर साइड गया, रेजिस्टेंस से ये फिर से डाउन साइड आया। अब अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड में हमें जो टारगेट मिल जाएगा वो 0.886 का यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा ये पर्टिकुलर लेवल तक, फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे फॉल कर सकता है। 44,682 हम अपना टारगेट यहाँ पे रखेंगे, ये लेवल ब्रेक होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रिटेस्ट डाउन साइड। अभी भी देखेंगे पोजिशन, तो कहीं ना कहीं पोजीशन हमारी जो है एसएल हिट हो चुका है, हम लोग अपने ट्रेड से बाहर हो चुके हैं। तो 196 पे हमारी बाइंग थी, 189 पे हमारा यहाँ पे एसएल था, तो यहाँ पे जो हमारा एसएल हिट हुआ है वो 7 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है। पोजीशन में देखेंगे तो बहुत छोटा सा लॉस दिखेगा, 190 का लॉस है यहाँ पे, और पोजीशन हमारे ही फेवर के अगेंस्ट जा चुकी है। आपको यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, तो लॉजिक सिंपल था, पता चल जाता है चार्ट पे कि ये पोजीशन हमारे ट्रेंड के फेवर के अगेंस्ट जा रही है या हमारे फेवर में जा रही है। मैंने बताया था कि इसी फ्लो में इसको ब्रेक कर देगा तो एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट होगा, अदरवाइज ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो वीक हो गया। बस आपको वेट कर जाना है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ध्यान से चीजों को समझिएगा, ये लेवल अगर ब्रेक होता है 44,820 का लेवल है, अगर इसके नीचे प्राइस क्लोज करता है कैंडल, तो आपको फिर 44,682 तक का टारगेट भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको चीजें यहां पे समझ आ रही होंगी किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया जाता है। कल भी यही सिनारियो हुआ था, मार्केट ओपन हुआ, डाउन साइड आया, एक ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद रिटेस्ट करने के बाद सपोर्ट के पास से बाइंग हैपनिंग हुई, फिर सेकंड हुआ क्या कि सेकंड होने के बाद फिर सेकंड डाउन साइड का मूव मिला। सेम व्यू यही था कि आज यहां पे भी एक अपसाइड का मूव लग सकता है, रेजिस्टेंस तक का टारगेट हम रख सकते हैं, उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। तो चीजें समझिए, अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट ट्रेड भी लेना होता तो मैं नेक्स्ट ट्रेड अपना इसी ग्रीन कैंडल पे
प्लान करता और फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रखता 44,820 का, सेकंड टारगेट मेरा बहुत ह्यूज हो जाता और फिर मैं एक बड़े प्रॉफिट के लिए निकल जाता। तो चीज़ें समझिए किस तरीके से प्लान किया जाता है। मेरी पोजीशन तभी पता चल गया जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तभी मुझे पता चल गया कि हाँ अब ये पोजीशन मेरे ट्रेंड के अगेंस्ट जा चुकी है, तो यहाँ पे निकलना ही बेटर होगा। देखिए अदरवाइज हम यहाँ पे एग्जिट ना करते तो हमारा बड़ा लॉस होता। यहाँ पे देखिए प्राइस 173 के पास चल रहा, हमने एग्जिट किया है 189 पे, तो बड़े लॉसेस लेने से अच्छा है। देखिए कितना बढ़िया सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, कितना बढ़िया सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक था, चीजें समझिए सीखते रहिए बस। देखिए गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं गलत हुआ, मैं लॉसेस लिया। कितना लॉस लिया? 7 पॉइंट का। अगर मैं प्रॉफिट लेता, मुझे देखिए मेरा जो इस ट्रेड में रिस्क था वो सिर्फ और सिर्फ 13 पॉइंट का रिस्क था, लेकिन मुझे मार्केट रिवार्ड भी कर रहा था 17 पॉइंट। इसमें मुझे ऑलरेडी मिल रहे थे 17 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन मैंने वहां पे लॉस लेना पसंद किया, ना कि 17 पॉइंट का प्रॉफिट। चीज़ें समझिए सीखते रहिए। देखिए लॉसेस आपको छोटे लेने हैं, प्रॉफिट आपको बड़े लेने हैं। ट्रेडिंग बस ट्रेडिंग का गेम ही इतना है, बस दो तीन चीजें आपको मैनेज करना है, तीन चीजें, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और उसके बाद आरआर, रिस्क रिवार्ड रेशियो। तीन चीज आप मैनेज कर लीजिए, एक दिन मार्केट आपको इतना बड़ा रिवार्ड देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि मार्केट दिया कैसे इतना बड़ा प्रॉफिट। उसी फ्लो में बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा जो है मोमेंटम डाउन साइड में मिल रहा है। तो इस वीडियो से फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा। मैंने लॉजिक आपको सिंपल से बताया कि इस पूरे मूव का 50% के ऊपर यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, ग्रीन कैंडल, एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनी थी, तो मैं वेट कर रहा था एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए, उसका हाई ब्रेक हो तो हम लॉन्ग कर दें। पर ट्रेड हमारे फेवर में चला भी, अच्छा खासा चला, और चलने के बाद यहाँ पे फिर हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट किया। 7 पॉइंट का रिस्क है, बहुत ज्यादा का रिस्क नहीं है। तो अब यहाँ पे डाउन साइड का भी व्यू बन चुका था, डाउन से जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, रिटेस्ट हुई, उसके बाद ये लो निकाला, तो यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड बन चुका था। बेट करना, जिसने लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया हो बेट कर रहे हैं, उनका फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी ये स्विंग लो है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे तेजी के साथ सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है, निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो ये लेवल बहुत ज्यादा निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट पॉइंट आपको ये वाला पर्टिकुलर लेवल मिल जाता है। थोड़ा सा निफ्टी सपोर्ट करेगा तो बैंक निफ्टी अपने आप डाउन साइड में यहाँ पे फॉल कर जाएगा। इस चार्ट को हम थोड़ा सा सेव कर लेते हैं, जीरोधा में चार्ट को सेव करना पड़ता है, अदरवाइज इसको आप हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी डाउन साइड आ रहा है, बैंक निफ्टी भी डाउन साइड आ रहा है, तो अच्छा खासा टारगेट मिलेगा ऑलरेडी 820 से, फिर डाउन साइड में 680, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट, 120 से 140 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे डाउन साइड। जैसे देखिए आप यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है ना, अब यहाँ पे आप कुछ ना करिए, डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ये ऊपर जाके एसएल हिट करेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट देगा तो फिर बहुत बड़ा दे देगा। तो इस तरीके से चीजों को प्लान करना चाहिए, जो मैंने प्लानिंग की थी कि हाँ इस तरीके का सिनेरियो बनता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको बाय करेंगे। बाइंग में एसएल हिट हुआ, सेलिंग का यहाँ पे ऑलरेडी एक व्यू मिल चुका है, यहाँ पे हाफ क्वांटिटी यहाँ पे सेल हो जाएगी, और हाफ क्वांटिटी ये लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो इसके नीचे सेल हो जाएगी, और अपना टारगेट आपको मिल जाएगा हार्मोनिक के एक्स एबीसीडी 0.786 के 44,680 का टारगेट मिल जाएगा। सपोर्ट से फिर से ग्रीन कैंडल, जहाँ से लाइन टू लाइन चीजें चलती हैं, सपोर्ट से फिर से आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो अभी जो टाइम हो रहा है 9:53 का हो रहा है, तो हो सकता है फ्रेंड्स आपको कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ सीखने को मिला होगा, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।